नमस्कार, 23 की महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में एमपी में पोस्टर की सियासत तेज होती दिख रही है। राजधानी भोपाल में कमलनाथ वांटेड के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर को लेकर कमलनाथ का बयान भी सामने आया। कमलनाथ ने कहा कि आज तक किसी ने मेरे राजनीतिक जीवन पर उंगली नहीं उठाई है, अगर कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ तो 3 सालों तक बीजेपी की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। साथ ही कमलनाथ ने पोस्टर को लेकर बीजेपी पर निचले स्तर की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के पोस्टर लगाए, मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर, किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये आज उंगली उठा रहे, कह रहे कमलनाथ भ्रष्ट है। हमारी सरकार चली थी, 3 साल से ये सरकार में है। अगर हमारे सरकार में भ्रष्टाचार था, इन्होंने केस क्यों नहीं चलाया, इंक्वायरी क्यों नहीं करी? आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है। उधर कमलनाथ के पोस्टर पर बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ऐसा किसने किया ये कांग्रेस ही बताएगी। टैग से पता चलता है कि आप करप्ट नाथ थे, जनता सब देख रही है। मीडिया के मित्रों ने आज ये जानकारी दी। मुझे सुबह कुछ मीडिया के मित्रों के फोन आए, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पोस्टर भोपाल के अंदर लगे हैं कि करप्ट नाथ कमलनाथ, और मीडिया के मित्रों ने कहा कि उसमें क्यूआर कोड है और क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो श्रीमान करप्ट नाथ की पूरी चरित्रावली आपको उसके अंदर दिखाई देगी। अब ये जनता जनार्दन ने, अब किन्होंने इन सारी चीजों को किया होगा ये तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही बता सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि किसी पर इस प्रकार के टैग लगना, इसका अर्थ है कि आप करप्ट नाथ थे, आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया था और उसका परिणाम है कि जनता आज इस रूप में उसका प्रकटीकरण कर रही है। तो आप क्यूआर कोड पे जनता देख रही है और मुझे लगता है, मैंने नहीं देखा, मुझे किसी ने कहा कि ऐसा हुआ है, तो इसका जवाब तो श्रीमान कमलनाथ ही देंगे। जो आपके बारे में जो चीजें आई हैं उसका जवाब उनको देना चाहिए। और कमलनाथ के इसी कूट रचित पोस्टर को लेकर कांग्रेस की तरफ से शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस ने पुलिस की पोस्टर से शिकायत की है, पुलिस और जूनाभट्टी थाने कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधि दल पहुंचा। आपको बताएं कि आक्रोश भी जाहिर करते दिखे वहां पर कांग्रेस के नेता। पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। मामले में कांग्रेस ने FIR करने की मांग की है। जूनाभट्टी थाना में कांग्रेस का हंगामा लगातार चल रहा था। FIR की मांग पर कांग्रेसी अभी भी अड़े हुए हैं। जूनाभट्टी थाना प्रभारी के कक्ष में जमकर नारेबाजी की गई है। थाना प्रभारी के कक्ष में धरने पर कांग्रेस नेता बैठ गए। कांग्रेस के पदाधिकारी देखे तस्वीरें, कांग्रेस जमकर नारेबाजी करती हुई। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से चूनाभट्टी थाना प्रभारी के कक्ष में बैठकर कांग्रेस के पदाधिकारी इस मांग पर अड़े रहे कि इस पोस्टर विवाद के चलते बीजेपी का जो षड्यंत्र सामने आया है, जिन लोगों ने भी इस पोस्टर को लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज करे पुलिस, इस मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। सहयोगी अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब ये तो कांग्रेस बताएगी कि किसने पोस्टर लगाए, लेकिन दूसरी तरफ ये हंगामे की स्थिति भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कमलनाथ का पोस्टर राजधानी के प्रमुख चौराहों पर लगा हुआ नजर आया है उसको लेकर राजनीति तो हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज करने की मांग कर रही है। और इसी को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि दल चूनाभट्टी थाने पहुंचा था, जहां पर धरना दिया गया। FIR नहीं लिखे जाने को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन अभी जो है ये धरना खत्म हुआ है और कांग्रेस की तरफ से शिकायत जो है थाना प्रभारी को दी गई और बात की मांग की गई है कि पूरे मामले की पड़ताल कर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो यानी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह की FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी शिकायत थाने में जरूर दर्ज कराई है। तो जो धरना कांग्रेस थाना परिसर में चल रहा था उसको अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है वो चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ सफाई दे रहे हैं कि आज तक उनके राजनीतिक करियर पर किसी तरह की उंगली नहीं उठाई जा सकती है, लेकिन बीजेपी ने साफ कहा है कि जो क्यूआर
कोड है जिसको स्कैन करने के बाद जो कमलनाथ के करप्ट होने की जानकारी आती है उस पर जवाब जो है कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ को देना चाहिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कमलनाथ के पोस्टर लगे उसको लेकर राजधानी और पूरे प्रदेश की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है और किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। बने रहेगा अनुराग हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। इधर यूपी के पाठ्यक्रम में सावरकर की जीवनी को शामिल करने पर मध्य प्रदेश में सियासत छिड़ गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी के पास जो पूंजी है उसे ही पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। कांग्रेस और नेहरू गांधी का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है, जनता सावरकर का इतिहास को जानती है। सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करने के मुद्दे पर नरेंद्र सलूजा ने कहा कि वीर सावरकर के इतिहास की जानकारी कांग्रेस को नहीं है, वीर सावरकर का इतिहास नई पीढ़ी को बताना जरूरी है, इसलिए पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया। अब वीर सावरकर जी का इतिहास शायद कांग्रेस को जानकारी नहीं होगी कि स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने लड़ाई लड़ी है, काला पानी की सजा मिली है और किस प्रकार से कठोर यातनाएं उनको दी गई थी, शायद ये जानकारी उनको जुटाना चाहिए। अब ये लोग जो अंग्रेजों से हाथ मिला के जिन लोगों के बारे में कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहा जाता था, वो लोग यदि सिर्फ उनकी जीवनी पढ़ाएंगे तो देश की जनता को अपने हिसाब से वो इतिहास समझाने में लगे। इन लोगों के पास सावरकर जी, गोलवलकर जी, यही लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, तो ये इन्हीं की पूंजी तीन चार लोगों में बटी हुई है, तो जो जिसके पास होगा वही परोसेगा। बाकी देश के लिए किसने क्या किया है वो इतिहास गवाह है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, अगर वीर सावरकर की हम बात करें तो ये मुद्दा कुछ नया नहीं है, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर भी अगर हम बात करें तो पहले भी से लेकर विवाद दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिला है। इस बार जो कि पाठ्यक्रम का मुद्दा है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न भी। देखिए, यूपी के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाए जाने का फैसला हुआ है और नए सत्र से इस जीवनी को छात्रों को पढ़ाया जाएगा और कोशिश इसी बात को लेकर है कि वीर सावरकर के इतिहास से जुड़े और उनको लेकर जिस तरीके के विवाद के हालात होते हैं उसका सच नई पीढ़ी को बताया जाए और इसी को लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में वीर सावरकर की जीवनी को लेकर सियासत छिड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि वीर सावरकर का इतिहास किस तरीके का रहा है, ये जनता को पता है, कुछ बताने के लिए बीजेपी के पास नहीं है और यही वजह है कि नेहरू गांधी का जो इतिहास गौरवान्वित करता है उसके जवाब में वीर सावरकर का पाठ पढ़ाकर इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और उसका कहना है कि वीर सावरकर का इतिहास जो है कांग्रेस को पता नहीं है और जरूरी है कि वीर सावरकर का इतिहास नई पीढ़ी तक पहुंचे और इसी वजह से ये पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी वीर सावरकर को लेकर कई बार राजनीति और विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया है, लेकिन अब यूपी में जिस तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, एक मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में भी वीर सावरकर की जीवनी को पढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी चर्चा के लिए, जानकारी के लिए। देखना होगा आगे क्या कुछ सरकार का फैसला इस ओर होता है। और अब 23 की महाभारत में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। चुनावी साल में वार पलटकर का दौर एक लगातार जारी है। कांग्रेस के द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति और फिर उनको निरस्त किए जाने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तंज कसते हुए जो कह रहे हैं कि ये तो चुनाव से पहले कांग्रेस में शुरुआत है, संगठन और सरकार के बीच का टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जवाब देते हुए कहा कि पत्र की समीक्षा की जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी समय समय पर हमारे पदाधिकारियों को हम लोग प्रभार चेंज करते रहते हैं, किसकी कहाँ आवश्यकता होती है उसको हम देखते हैं और अभी आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव को दृष्टि रखते हुए किसकी कहाँ उपयोगिता है, कौन व्यक्ति संगठन को और मजबूती प्रदान कर सकता है, उसके लिए हमने परिवर्तन किए हैं। माननीय शैलजा मैम जी का पत्र आया है, उसमें हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में सत्ता का संघर्ष और संगठन के साथ टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होता वहाँ पर झगड़े होते हैं और इनके झगड़ों का स्तर इतना ज़्यादा है कि जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो जूतम पैजा तब चप्पल जूता तक उठते हैं, मारपीट तक की स्थिति आ जाती है, ये इनके लिए बहुत स्वाभाविक है।
सत्ता की तलाश में कांग्रेस की नजर मालवा पर। मालवा में इस वक्त बीजेपी के सिंधिया समर्थकों का दबदबा है, लेकिन ये वही समर्थक हैं जो पिछले चुनाव में कांग्रेस में हुआ करते थे। और ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और बेटे जयवर्धन सिंह ने मालवा में डेरा डाल रखा है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए मालवा जीतना इतना आसान होगा? मालवा के रास्ते सत्ता की तलाश, बीजेपी कांग्रेस को आस, कौन बनाएगा इतिहास? दिग्विजय जयवर्धन लगा रहे जोर, मालवा निमाड़ की जनता किसकी ओर? पिछले आंकड़े गवाह हैं कि जो मालवा जीते वो सत्ता की कुर्सी से दूर नहीं रहते। 2013 में बीजेपी ने 56 सीट जीतकर सत्ता में बनी रही। 2018 में हालात बदले और कांग्रेस को मालवा से 36 सीटें मिली। कांग्रेस सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हुई। इस बार फिर कांग्रेस मालवा फतह की तैयारी में है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के दिमाग में सिंधिया समर्थक वाली सीटें हैं, जहां से जीत का पताका लहराना चाहती है कांग्रेस। इसलिए तो दोनों मालवा के क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। हमने आज से 4.5 साल पहले भी आम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। उज्जैन जिला आप देखे तो 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है, मेजोरिटी हमारे पास है आज भी उज्जैन जिले की। इंदौर में भी जो ग्रामीण पट्टी से हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह भले ही सिंधिया समर्थकों की सीट पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो सिंधिया कांग्रेस के सपने में आते हैं उससे कांग्रेस को पार पाना नामुमकिन है। कांग्रेस बनी हुई सरकार तो संभाल नहीं पाई, भला सरकार क्या ही बना पाएगी? ये मेरे योद्धा खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का, इन्हीं के दम पे चुनाव लड़ा था, अभी फिर लड़ूंगा। सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी सांवेर में तोड़ेगी। मैंने कहा ना कि पूरी कांग्रेस को हमारे देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया जी सपने में आते हैं, उठते जागते दिखते हैं कि नहीं? सांवेर में मैं दिखता हूँ और मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको दिखती है। भारतीय जनता पार्टी का खोप, वो उन्होंने कुछ किया नहीं, आप जानते, लाडली बहना कभी सपने में सोच सकते? उन्होंने नहीं सोचा, इतने वर्षों तक उन्होंने बेटी और बेटे की बात नहीं की। आज लाडली बहना का जीवन स्तर एक समाज की दृष्टि से, एक आर्थिक दृष्टि से, आत्मविश्वास की दृष्टि से, उन्होंने तो बोलते हैं हमने तो करके दिखा दिया, 10 जून को पैसा डाल दिया। ये तो दोनों ही पार्टियों के दावे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि दिग्विजय और जयवर्धन जिस सिंधिया समर्थक वाली सीट पर नजरें बनाए हुए हैं, क्या वो सीट कांग्रेस सिंधिया से छीन पाएगी? मालवा जीतने में कौन कामयाब होगा और कौन मालवा के रास्ते सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होगा? न्यूज 18 के लिए इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। पटना में विपक्षी दलों के करीब 4 घंटे तक हुई बैठक, सीएम नीतीश कुमार को बनाया गया संयोजक। बैठक में एक साथ चुनाव लड़ने पर बनी सहमति, देश हित में सभी दल एक साथ लड़ेंगे चुनाव। विपक्षी बैठक पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, कहा विपक्षी एकता कभी संभव नहीं। पटना में चल रहा है फोटो सेशन। राहुल गांधी के जीत के दावे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का तंज, कहा पटना में फिर काठ की हांडी चढ़ी। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने का किया था दावा। चुनावी साल से पहले भोपाल में कमलनाथ के लगे पोस्टर्स, बताया वांटेड करप्शन नाम। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा अगर भ्रष्टाचार किया तो बीजेपी क्यों नहीं करती है कार्रवाई। कमलनाथ के पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने पुलिस से की शिकायत, पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। धर्मांतरण को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान, कहा भूपेश बघेल सरकार में नहीं हुआ एक भी धर्मांतरण, बृजमोहन अग्रवाल साबित करें तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति, नहीं तो उन्हें देना पड़ेगा पद से इस्तीफा। कांग्रेस में तेज हुई चुनाव की तैयारियां, 26 जून से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम होंगे शामिल।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी की नियुक्ति निरस्त किए जाने पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी ने संगठन और सरकार में बताया टकराव। संगठन में बदलाव को लेकर आदेश रद्द होने को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान। समय समय पर आदेश होते हैं जारी, जो कार्य विभाजन होता है वो आगामी आदेश तक होता है। और इसी के साथ तेज की महाभारत में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।